नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिवनी घनसोर। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, पर रेलवे स्टेशन प्रभारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते स्टेशन पर गंदगी का अंबार है। यात्री दूषित पानी पीने को मजबूर है। पहला मामला जिले के घनसोर रेलवे स्टेशन का है, जहां फ्रीजर पर मेंढक और अन्य जीव मरकर सड़ गए। पानी पूरा दूषित हो गया। स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से यात्री दूषित पानी पी रहे हैं। हम आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में यात्रियों को स्टेशन से पीने का पानी उपलब्ध होता है, ऐसे में दूषित पानी यात्रियों को बीमारी की ओर धकेल रहा है। तो दूसरी ओर उक्त पूरे मामले पर देखा जाए तो गंदगी का अंबार स्टेशन पर बना हुआ है। जब तक पूरे मामले पर स्टेशन मास्टर और कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो वह कैमरे से बचते नजर आए। रेलवे संघर्ष समिति के सचिव सहित ग्रामीणों ने भी स्वीकार किया कि स्टेशन पर अव्यवस्था और गंदगी अंबार स्टेशन और कर्मचारी करते हैं अनदेखी। लगातार वहां तो गंदगियों का आलम बना हुआ है और स्टेशन मास्टर विशेषकर इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। दिनों दिन गंदगी है वहां पे, और यदि जो पानी पीते हैं तो निश्चित है कि लोग बीमार होंगे और इसकी समस्त संपूर्ण जवाबदारी जो होगी वो स्टेशन मास्टर की होगी और रेलवे प्रशासन की होगी। यदि रेलवे स्टेशन मास्टर यदि नहीं सुनते हैं तो निश्चित है कि हम इनके प्रति एक कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। अनेकों बार यह घटना हो गई है और रेल प्रशासन जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। स्टेशन मास्टर को भी कई बार बताया गया, पहले टीजर लगा हुआ था, अब शायद टीजर भी नहीं है। और मेंढक कौआ वहाँ पानी में गिरते रहते हैं क्योंकि पानी खुले में रखा हुआ है। तो मेरी DRM से रिक्वेस्ट है कि इस विषय में वो ध्यान दें। नहीं देखिए ना आप, अच्छा रेलवे कर्मचारी कोई देखरेख नहीं करता कि उसमें क्या है? जी महोदय जी, सर रेगुलर लोग पानी पी रहे हैं वो तो हम लोगों ने आके उनको रोका, हमको जानकारी लगी कि उसमें मरे मेंढक। सिवनी घनसोर से खबर समय जगत के लिए रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।